हेलो ब्रिलियंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स। बुक है एलिमेंट्स, एक्सरसाइज है ये 1.1, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन रैशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बिगर वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। इस तरीके से करके हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि डेनोमिनेटर्स इनके सबके अलग अलग है, तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। लेट अस सी, लेट अस डू। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है 2/10, -3/15, -4/16, 7/28, 15/35 एंड 24/64। ये सारे जो डेनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। 10, 15, 16, 28, 35 एंड 64। 2 के टेबल में 2 5 10, 15 का 15 जो कि नहीं डिवाइड होता, तो वैसे का वैसा। 2 8 16, 2 14 28, 35 वैसे का वैसा, 2 32 64। अगेन 15 तब तक करते रहेंगे जब तक कि एक भी ख़त्म, एक भी रह जाता है इसके अंदर, तब तक हम इसे करते रहेंगे। 2 4 8, 2 7 14, 35 का 35, 2 16 5, 15, 2 2 4, 7 35, 2 8 16, 2, ये 5 का 5, 15 का 15, 1 7 7, 7 का 7 रहा मतलब 2 4 8, 2 5 15 1 7 35, 2 0, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ये तो, है ना। 1 7 35 1। फाइनली अब हम पहुँचे 3 पर, 2 के बाद 3, 5 का 5 भी आएगा यहाँ, 3 5 15, 5 आया, 35 का 35 1। अब 5, क्योंकि 3 का भी कोई मल्टीपल नहीं बचा, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 7 का 7, 5 7 35, 1 का 1। अब 7 पर 1 1 1 1 1 1, तो हमें एलसीएम मिला है वो है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। क्लियर हुआ? 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 3 5 15 7 105 एंड 64। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस तरीके से। अगेन देखिए, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 64 तक, यहाँ तक आ गया, 3 5 15 7 105 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 4 1 4, 6 5 30, 0 है तो 30 का 30 लिख दिया, क्योंकि 6 5 30 0 लिखेंगे, फिर 3 यहाँ पे, 6 0 0 0 3 3 आएगा, तब करके 6 1 6 0 2 4 3 7 6 6 7 2 0, ये आया, ठीक है। अब ये को इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रफ में करने का था, यहाँ फेयर में नहीं करना, 6 7 2 0। अब आप इतना ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसको करने के लिए आपके पास एक तरीका और है, वो ये है कि इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, 4 4 16, 7 1 7, 7 4 28,
फाइव थ्री जा 15, फाइव सेवन जा 35, सिक्स फोर जा 24, एट, एट थ्री जा 24, एट पर कट रहा है ये भी एट पे कट रहा है, एट एट जा 64। तो अब हमें ये लोवेस्ट फॉर्म मिली है, इसका इसकी मदद से इसको करने की कोशिश करते हैं। हमें पहले मिला है 1/5, फिर मिला -1/5, फिर मिला है -1/4, फिर 1/4, फिर 3/7 और फिर 3/8, ऐसे क्लियर है। ठीक है, तो अब इनको करने में आसानी होगी क्योंकि अब हमारे पास एलसीएम निकालना है कितने का, 5 का, 5 एक ही 5 ले लेते हैं, चलो 4 7 8, 2 से करें 5 का 5, 5 का 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 2 4 जा 8, अगेन 5 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 2, फिर 2 से करेंगे 5 5 1 1, 7 1, 1 पे गया 2 से, ये 1 पे, 7 का 7 रहा, ये दोनों 1 के 1 आ गए, 5 जो है दोनों के दोनों ये 2 की टेबल पे नहीं आते तो वैसे के वैसे लिख दिए। अब 5 से 5 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 7, अब सिर्फ एक ये 7 बच गया, 1 1 1 1 1 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 जा 47 जा 280, राइट, 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 जा 47 जा 280। तो 280 इसको बनाने के लिए 5 को छोड़ देते हैं, बाकी सारा कौन सा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 जा 56, तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी वही चीज़, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। अब 4 के केस में इन दो को छोड़ देते हैं 4 में, बाकी बचा है ये 3 नंबर, 2 5 10 7 70, तो 70 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही बात यहाँ पर भी होगी, 70 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 की बारी आई तो 7 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ करके बाकी बचे हमारे पास ये 3 नंबर, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, 40 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 में 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 3 नंबर है, इन 3 नंबरों को छोड़ देंगे, बाकी आया 5 7 जा 35, 35 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिलता है हमें 56 बाय में 280, यहाँ मिलता है -56/280, यहाँ पर -70/280, इसमें 70/280, यहाँ पर 4 3 जा 12, 120, नीचे वाला तो 280 ही आना है, 3 5 जा 15 1 3 जा 9 1 10, इसको एक बार और चेक कर लिया कीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, फ़िलहाल तो नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हुआ, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना आसान है, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देखा आपने, एक तो ये मेथड किया हमने और एक अगर इससे करते तो कितना ज़्यादा लेंथी सम होने वाला था, तो हमने फिर ये लोवेस्ट फॉर्म में इसको किया। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, इनके अंदर से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू से तो नेगेटिव वैल्यू छोटी ही होगी, तो नेगेटिव वैल्यू में छोटी कौन सी होगी, जो बड़ी वैल्यू है जो वो छोटी होगी, छोटी वो बड़ी होगी, मतलब -70 इससे छोटी होगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आती है, फिर ये, अब बचे हुए जो नंबर्स है इनको हमें क्लासिफाई करना होगा, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 56, फिर इन तीन में सबसे छोटी वैल्यू 70, अब इन दो में छोटी वैल्यू 105 और लास्ट में बचा 120, ठीक है। अब इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यूज हम लेंगे, ये है ये वाला नंबर थर्ड पोजीशन पे,
थर्ड पोजीशन है 1, 2, 3 -4/16। फिर ये -56/280, वो ये है फर्स्ट सेकंड सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन है इसकी -3/15 की। फिर ये थर्ड पोजीशन, मतलब ये कौन सा है, ये वाला है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ऊपर वाला फर्स्ट पोजीशन 2/10। फिर 70/280 ये वाला है 1, 2, 3, 4 फोर्थ पोजीशन 1, 2, 3, 4 7/28। फिर ये वाला 105/280 वो ये है लास्ट पोजीशन, ये वाला 24/64। एंड द लास्ट वन इज ये वाला 120/280 सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट ऊपर कौन सा है 15/35। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में करने का तरीका जब कोई ऐसा टिपिकल सम आ जाए तो। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल है ये चीज़, ये वैसे ही लोवेस्ट फॉर्म में ही है 3/5 -17/-30 8/15 -7/10 7/15 एंड -13/30। यहाँ पर ये सारे नंबर्स लोवेस्ट फॉर्म में है, इसमें कुछ नहीं कट रहा, जैसे ऊपर कट रहा था तो ऊपर काट दिया था हमने, सम आसान हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोवेस्ट फॉर्म में है। और एक यहाँ अलग चीज़ आई है, ये माइनस डेनोमिनेटर में आया है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे वैसे ही जैसे ऊपर निकाला था, पता नहीं इतने में देखते हैं। 5 माइनस तो हटाना ही पड़ेगा, 30 15 10 15 30। तो जैसे 30 है तो उसमें से हम एक ले सकते हैं, 15 है तो उन दोनों में से एक ले सकते हैं, ठीक है। और ये 5 10, तो चलो अब लिख दिया तो कर लेते हैं, 2 से करें, 5 का 5 30 का 15 आ जाएगा, 15 तक डिवाइड हो रहा है 2 से, 15 का 15 10 5 पर गया, 15 का 15 15। फिर इसको करते हैं 3 से, 5 5 5 5 5 एंड 5, अब ये सारा 5 पे चला जाएगा, और 1 1 1 1 1 एंड 1, 2 3 6 5 30 30 इसका हुआ एलसीएम, ठीक है जी। अब 30 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको एक बार दोबारा से आपके लिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा खुला, तो यहाँ 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 30 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो प्लस का 30 बनेगा, और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, और ये 30 है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 18/30 माइनस माइनस प्लस हुआ 17/30 8 2 16/30 -21/30 इससे आया 14/30 -13/30, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर
सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू जो कि नेगेटिव की है वो ये है। फिर इन पांचों के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है 14/30। फिर बचे हुए इन चार के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है 16/30। फिर इन तीन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है 17/30। एंड नेक्स्ट जो है 18/30। एंड लास्ट है वो 21/30 है। 17/30, 18/30 और फिर 21/30। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः के छः नंबर हमने लिख दिए। अब कोरस्पोंडिंग वैल्यूज़ का काम करेंगे। -13/30 ये लास्ट नंबर है ये, तो -13/30 ही आएगा। फिर क्या होगा 14/30 जो कि सेकंड लास्ट है 7/15। फिर 16/30 यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पर है 1, 2, 3 8/15। उसके बाद फोर्थ नंबर 17/30 है जो कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है फर्स्ट सेकंड, तो ये -17/-30। फिर नेक्स्ट पोजीशन है वो किसकी है, ये 18/30। यहाँ पर 18/30 फर्स्ट पोजीशन है 3/5। कोरस्पोंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमें लिखने होंगे। अब 21/30 लास्ट है जो कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 फोर्थ पोजीशन पर है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 -7/10 हुआ। ठीक है, रुको, ये तो जो वैल्यू है क्या हुआ, यहाँ तो माइनस की आ रही है, माइनस की तो सबसे बड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ गलती हो गई है। यहाँ माइनस आना था और फिर ऐसा करने की वजह से सबसे छोटी वैल्यू तो ये हुई है ना, सबसे छोटी वैल्यू ये होगी, तो ये -21/30 यहाँ पर आएगी और सबसे छोटी वैल्यू ये होने पर -7/10 सबसे पहले आएगा कोमा, राइट। सबसे छोटी वैल्यू हुई ना ये, क्योंकि दोनों के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमने पहले ली थी -13/30, तो फिर इन दोनों में छोटी वैल्यू ये है क्योंकि ये -13 के लेफ्ट में -21 वैल्यू आती है जो कि छोटी वैल्यू है, राइट। होल नंबर्स के केस में उल्टा होता है, 21 अगर ये पॉजिटिव होता तो ये बड़ी वैल्यू होती, लेकिन नेगेटिव के केस में जो बड़ी वैल्यू होल नंबर में होती है ये यहाँ पर छोटी होगी, तो ये पहले आ गई, फोर्थ पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन ये पहले लिख दी सबसे छोटी वैल्यू, तो ये यहाँ से कट गया ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो गलती हो जाती है, लेकिन जब नॉलेज होती है किसी चीज़ की तो हमें अपनी गलती जल्दी से समझ में भी आ जाती है। तो गलती यहाँ हो गई थी, माइनस आना था, यहाँ हमने माइनस फोर्थ पोजीशन में यहाँ पे लिखा था लेकिन यहाँ नहीं लिखा था, तो गलती हो गई, सॉरी। तो अब आप इसको अच्छे से देखिए और फिर अपने जो इसी तरीके कोई सम्स आते हैं तो उसको आप सॉल्व कीजिए। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ये लेंथी वे था तो इससे हमने दिमाग लगाया कि इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी इसके अंदर, तो एलसीएम। और इसका स्क्रीनशॉट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका, उसके क्वेश्चंस। बाय।